दोस्तों, अगर आप लोगों ने बहुत लंबे समय से हस्त मैथुन किया है और काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, वीर्य आपका पतला हो गया है, लिंग भी सिकुड़ गया है, मन में गलानी उत्पन्न होती है, तो इन सभी समस्याओं को मैं दूर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने काफी समय से हस्त मैथुन किया है जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, आंखें धसी हुई, कमर में दर्द रहता है, वीर्य पतला पानी की तरह हो गया है, हमेशा उदास रहता हूँ, सर में दर्द रहता है, उसका इलाज बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भाई, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो मैं दवा बताने वाला हूँ, अगर आपका समस्या 4 से 5 साल पुराना है तो इस दवा को कम से कम आपको 6 से 12 महीने खाना है, और अगर आपका समस्या 10 साल का है, 10 साल से ऊपर है, तो आपको कम से कम 1 साल जरूर खाना है यह दवा। इधर उधर आपको किसी भी वैद्य और डॉक्टर के चक्कर में भटकना नहीं है। जो बताने वाला हूँ मैं आपको दवा, इस दवा को आप मन से खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दवा बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात आपको बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हस्त मैथुन अभी भी कभी कभी करते हैं, या फिर महीने में करते हैं, या फिर हफ्ते में करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसे बंद कर देना है, तभी आपको कोई दवा खाने से आपका सार्थक है, नहीं तो आप कोई भी दवा खाते रहेंगे जीवन भर कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर से खाते रहेंगे नीचे से निकालते रहेंगे, सारा पैसा आपका बेकार चला जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दवा कौन सा आपको लेना है। पहला दोस्तों आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण, 100 ग्राम का आएगा, ले लेना है, और दूसरा आपको शतावर चूर्ण लेना है, और तीसरा आपको सफ़ेद मूसली लेना है, और आपको कौंच का बीज नहीं लेना है। कई लोगों ने बताया है कौंच का बीज, लेकिन कौंच का बीज नहीं लेना है आपको, यह जब कौंच का बीज जब लेना होता है, जब आप शादीशुदा हैं तब आपको कौंच का बीज ले सकते हैं। और अगर यह तीनों दवा आपको नहीं मिल पाता है तो आप इसके जगह पर आप यवन चूर्ण भी ले सकते हैं, क्योंकि यह तीनों चूर्ण उसमें मिला हुआ रहता है। अगर आप यह दवा दोस्तों आप कम से कम मैंने जैसा बताया है अगर खा लेते हैं तो आपकी सारी समस्या जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और यह दवा आपको रामदेव के दुकान पर मिल जाएगा। आज के समय में पतंजलि से बढ़िया कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी नहीं है भारत में। अगर इस दवा को आप मन से खाएंगे तो आपकी पूरी समस्या ठीक हो जाएगी, और अगर आपकी कब्ज की समस्या भी आपको रहती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके कब्ज वाली वीडियो हमारा देख सकते हैं, आपकी कब्ज की पूरी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।